उमरिया जिले के पाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत पिछले महीने हुए तेंदुए के शिकार के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 7 नवंबर को पाली वन परिक्षेत्र के बरबसपुर बीट के कक्ष क्रमांक RF 576 में तेंदुए का शव पाया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग के DFO RS सिकरवार ने मौके पर पहुंचकर शव का परीक्षण कर बताया था कि तेंदुए का शिकार बिजली लगाकर किया गया है और तेंदुए के पंजे, मूंछ और कुछ अवशेष शव पर नहीं है। बीते एक महीने से पाली वन परिक्षेत्र की टीम निरंतर शिकारियों की तलाश में जुटी थी, जिसके तहत वन अमले को कामयाबी मिली और उक्त मामले में वन अमले ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी श्यामलाल उर्फ बाबू बैगा, कैलाश बैगा, बहादुर बैगा, रामधनी बैगा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तेंदुए के दांत, नाखून, मूंछ, खूंटी, GI तार, कुल्हाड़ी, साइकिल और सब्बल जब्त की गई है। बरबसपुर के तालाब में तेंदुए का शव मिला था, उसमें अभी तक पकड़े गए आरोपी चार हैं। ये आरोपी बहादुर बेगा सलैया, कैलाश बेगा सलैया, श्यामलाल उर्फ बाबू, ये कचौरा मोहल्ला पाली, और धनीराम बेगा सलैया। इनमें से श्याम बाबू के पास से नाखून नाली में गाड़ के रखे जाने का जब्ती हुई है। तार खूंटी जो हिलन नदी के दोनों तरफ रखे हुए थे, सलैया की तरफ तार थे और डुड़गावा की तरफ खूंटी रखी हुई थी। खूंटी जो है लेंटाना और ये क्या बोलते हैं आपकी, निरगुंडी से बनी हुई है। खूंटी में तार बिछा के जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो खूंटी में जलने का निशान भी है, इसलिए खूंटी भी जब्त की। खूंटी की मात्राएं आपने 2 बोरी में देखी हुई। अभी इनको जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ करने के बाद इनको थाने